सो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज ना हमारा वैसे एक छोटा सा फैमिली ट्रिप जा रहा है, तो हम जा रहे हैं आज आ रहे जैसे पंडो में एक क्या बोलते हैं एक पार्क है छोटा सा, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं और एक दो लोकेशन और हैं, तो चलते हैं। हम धीरे धीरे गाड़ी पहुँच चुके हैं नीचे पंडो डैम दिखाई दे रहा है। और ये रहा बाखली का नेचर पार्क ऊपर से व्यू, क्योंकि आजकल नजारा देख सकते नीचे नेचर पार्क आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और ये रही सामने मंदिर की सीढ़ियां, तो यहाँ से जा रहे ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखे, तो यह मंदिर का आसपास का जो नज़ारा है, जैसे कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है और सीढ़ियों के आसपास का मंदिर काफ़ी हरा भरा है। ये नीचे पार्क जो नेचर पार्क है ना, वो एकदम बिल्कुल सूखा सूखा पड़ा हुआ आजकल, क्योंकि अब सर्दी का टाइम भी है। यहाँ पे ठंड के कारण ना जो नीचे छोटी छोटी घास होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। सो फाइनली गाइस बाखली माता के टेंपल हम पहुंच चुके हैं। और ये रहा यहाँ का कुछ नज़ारा, यहाँ पे मंदिर परिसर में यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन वर्क अभी चला हुआ है, तो जिसके चलते हुए यहाँ पर थोड़ा बेटे। फाइनली हम मंदिर परिसर से निकल चुके हैं बाहर, अब जा रहे हैं नीचे नेचर पार्क में। तुमने मंदिर के दर्शन सारे यहाँ पे कर लिए हैं, हरी मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है। बगलामुखी माता टेंपल। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से मंदिर से बाहर, अब बाहर का नज़ारा थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे पानी पुनी हमने पीना था, पानी एक्चुअली ये शायद ख़राब है पीछे यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी का नलका लगा हुआ है। और जो अगर शौचालय तो हमारे पीछे सीधे आप देखते हैं पीछे यहाँ पे शौचालय, यहाँ से फर्श में था तो उसका एक इन्होंने एक टाइल यहाँ पे भी रखी हुई है पत्थर। और मूर्तियाँ भी आप यहाँ पर बाहर नीचे से ऊपर आते हुए मंदिर तक देखते हैं। ये सुखदेव ऋषि जय माँ बगलामुखी का पुराना मंदिर जो था। सो फाइनली गाइस फिर हम यहाँ पे ना बाखली जो पार्क है यहाँ पे लैंड हो चुके हैं, और ये हमारा चौपर सामने लगा हुआ है। तो बस ये रहा यहाँ का पार्किंग एरिया, पार्किंग जोन। अब चलते हैं यहाँ के अंदर और अंदर का नज़ारा देखते हैं। और ये रहा यहाँ पे कैश काउंटर और टिकट। हम तो फाइनली हमने यहाँ पे ना टिकट वगैरह ले लिए। और ये रहा यहाँ का एंट्रेंस, यहाँ से अंदर का नज़ारा, जो यहाँ से अंदर की मतलब अंदर की एंट्री यहाँ से होती है। और यहाँ पीछे हमारे सामने देखते हैं यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं रेस्ट हाउस है, और यहाँ पे कुछ एक कलाकृतियाँ जो मैं आपको बताऊँगा। और ये पूरा जहाँ मतलब जो पार्क है ना, पार्क का मैप यहाँ पे पूरा है, ठीक है। यहाँ पे पूरा है कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है, कहाँ पे मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ये कलाकृतियाँ यहाँ पर। और यहाँ से नीचे का व्यू पॉइंट, तो नीचे यहाँ पर दरिया है, ठीक है, ये देखते हैं आजकल बिल्कुल साफ़ सुथरा है देख। और ये फाइनली यहाँ का अंदर का ऊपर पे पूरा आप देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम गेट से अंदर आते हैं तो अंदर का नज़ारा आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे जैसे मैं ऊपर से मैं जैसे आया था, तो मतलब ऊपर से मुझे लगा था कि बिल्कुल सूखा सूखा है, कुछ मज़ा नहीं यहाँ पे। जब मैं अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ तो अब लग रहा है कि नहीं यार है कुछ बढ़िया है, ज़बरदस्त है, पता है फिर भी है, क्योंकि पार्क तो पार्क ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी सजावट के लिए बंदे स्पेशल होते हैं, हर एक चीज़ इसका मेंटेनेंस सारी चीज़ें वैसे टाइम टाइम पे होती रहती है, जिसके कारण ये काफ़ी हरा भरा और अच्छा रहता है। तो साइड का बताते हैं, यहाँ छोटा छोटा सा बना हुआ है, काफ़ी हरा भरा। और यहाँ पे सामने बच्चों का खेलने के लिए, ठीक है,
झूले वगैरह यहाँ पे लगे हुए मैक्सिमम जितने भी बच्चों के है यहाँ पे टोटल, तो लोग अपने अपने हिसाब से बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और बच्चे भी वहाँ पे झूला झूल रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट हम वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे एक चौक है, ठीक है, चौक से एक परे वाली साइड यानी कि स्विमिंग पूल वाली साइड को भी है और यहाँ से सेंटर का नज़ारा ये यहाँ पे सामने शॉप्स वगैरह है, ठीक है, जो भी टोटल, और यहाँ पे ये रास्ता शॉप की तरफ जाता है और ये आगे झील की तरफ और यहाँ से ये भी झील की तरफ जाता है। वैसे यहाँ पे ना जो ये वाले इस पेड़ का नाम है क्या पर मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मतलब मैक्सिमम जगह आपको यही पेड़ मिलेंगे और काफ़ी हरे भरे हैं। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं ये बुक किए जाते हैं किराए पे, ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पे अगर कभी हमें यहाँ पे नाइट स्टे करना होता है तो। और कैफे को भी आप, और ये यहाँ पे सामने देख सकते हैं कैफे वगैरह बने हुए हैं। एक छोटे छोटे कैन दिखाई दे रहे हैं, ये है एक्चुअली जब मतलब पानी में बोटिंग होती थी एक टाइम पे, ठीक है, तो उसके है ये कि मतलब ये कैन्स मतलब ये खाली होते हैं, ठीक है, पूरे, तो ये हवा में। सामने लकड़ी के ब्रिज आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त है। सामने आपको वॉशरूम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दो ब्रिज बने हुए हैं ज़बरदस्त, और ये एक है यहाँ पे लकड़ी वाला शायद, यहाँ पे अब एंट्री शायद इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा थे लकड़ी का। और यहाँ पे देख सकते हो वायरें ही वायरें लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे शायद काफ़ी बच्चे लोग भी यहाँ से जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से इसको भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो वायरें ही तरीके से क्योंकि नीचे से पानी ही पानी आता है और दूसरा यहाँ पे लोहे का ब्रिज बना हुआ है। तो गाइस वैसे मैक्सिमम जो वहाँ से आते आते का हमारा यहाँ का वैसे पूरा नज़ारा हो चुका है, मोइना भी हो चुका है। और ये रहा यहाँ का लास्ट पॉइंट यानी कि रिवर व्यू, क्योंकि यहाँ के बिल्कुल टच में आपका ये ब्यास नदी और ये सामने आपका पंडो डैम दिखाई दे रहा है। यहाँ का लास्ट जो पिछली बार जो यहाँ पे सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, पिछली बार हमने यहाँ पे काफ़ी डांस किया था और अब की बार भी देखते हैं जरा यहीं पे डांस करते हैं कहीं ना कहीं। सामने पंडो डैम का लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको और जो फैमिली मेम्बर हमारे वहाँ पे खड़े हुए हैं, बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं। सारी प्लेटें खाली हो चुकी है, सारे मोमो मन्नत और काव्या खा चुकी है और हमारे लिए कुछ नहीं बचा, दो मोमो बचे, थोड़ी बच कचौरिया भी लाई हुई है, तो कचौरिया भी खाया आपने। तो खाने के लिए कुछ जो चीज़ें हम लाए थे वो पड़ी कम, तो अब और लाने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं जरा यहाँ पे दुगना रेट है शायद ऐसा सुनने को, अब देखते हैं जरा किसी तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे पूरा पिज़्ज़ा करती है ऑर्डर और यहाँ पे कट चुके हैं, उधर ऑर्डर किए जाते हैं और यहाँ पर फिर ये तैयार करते हैं। यहाँ पे इधर हमने पिज़्ज़ा कर लिया ऑर्डर, अब कह रहे हैं कि 15 मिनट में तैयार हो जाएगा, तो तब तक फिर यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा यानी कि समय हमारे को इधर उधर घूमना पड़ेगा, तो करते हैं थोड़ी देर वेट। तो फिर से यहाँ पे ये जिम वगैरह है, यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोटिंग सीखने में यहाँ पे बोटिंग भी होती है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि 50 रुपये पर सवारी है क्योंकि 7-8 इसमें आते हैं। तो यार वैसे है तो डर भी क्योंकि छोटी सी बोट है, 7-8 बंदे उठाएंगे तो पता नहीं कहीं डूब ना जाए। चलो मैं अपना पूरा ग्रुप लेके आता हूँ, उसके बाद देखता हूँ उनको, पूछता हूँ जरा वोटिंग करेंगे या नहीं, उसके बाद फिर मैं भी चलता हूँ वोटिंग करें नीचे। सो ये ले आए हम पिज़्ज़ा, यहाँ पे देखते हैं आप। अरे भाई कर रहे तरफ ठीक आ जा आयांश, यहाँ देख क्यों पिक्की यहाँ पे ना जो बच्चों का खेलने का मनोरंजन था उनका सारा हो चुका है यहाँ पे। अब इनको मतलब बड़ी मुश्किल से इनको हमने यहाँ से वापिस निकाला क्योंकि तो मान ही नहीं रहे थे क्योंकि घर भी जाना था क्योंकि टाइम होना, ठीक है, तो जो पूरा पार्क यानी कि कम से कम 1 घंटा इन्होंने यहाँ पे लगाया टोटल, तो मतलब अब मुश्किल से निकाला है इनको जाने का टाइम। अब निकलते हैं, अब हो रहे हैं मेन गेट से बाहर, तो फिर चलते हैं फिर घर की ओर, फिर आगे की अगर कोई और डेस्टिनेशन मिल गई तो वहाँ पे मिल लेंगे, तो फिर नहीं तो फिर बाय इसके साथ बाय।
क्या हुआ गाइस कि मैं ना यहाँ पे बाकी का जो यहाँ पे सामने आपको जो ब्रिज दिखाई दे रहा है तो मैं इसके साथ में उतर गया, ठीक है। नहीं तो मतलब गाड़ी को काफ़ी दूर मतलब काफ़ी घेरा लगा के आना पड़ता है, काफ़ी बड़ा चक्कर लगा, इन 2-3-4 किलोमीटर का चक्कर लगा के आना पड़ता है। तो मैं इधर ही उतर चुका हूँ क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट भी है और यहाँ पे थोड़ी बहुत लोकेशन भी अच्छी है, तो वो भी ले लूँगा। तो मिलते हैं यहाँ से लोग जाते हुए और ये रहा बाखड़ी का ब्रिज, काफ़ी ज़बरदस्त बनाया हुआ है सामने की लोकेशन। अब यहाँ पर हर जगह से स्लिप। यहाँ से पीछे कितना पीछे तक रोड है, काफ़ी ज़्यादा पीछे तक, और जो ऊपर से देखता है ये जाके मिलता है कुकला में। तो गाइस फिर जो हमारे साथ जो गाड़ी में आए थे एक्चुअली वो भी आ रही होगी अभी, मतलब थोड़ी देर में पहुँचती होगी क्योंकि मैं यहाँ से एकदम से इधर निकल गया क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो मेन रोड पे करता हूँ उनका वेट। तो हम बाखड़ी नेचर पार्क से बिल्कुल एकदम दूसरी साइड निकले क्योंकि यहाँ से देखते अब थोड़ा सा सामने उधर है, कम से कम 5-6 किलोमीटर का घुमा फिरा के हमें वहाँ पे पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम एक अलग सी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, देवबाला कमेश्वर का मंदिर। फाइनली गाइस मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ पे देवबाला कमेश्वर के मंदिर के पास। तो यहाँ पे पीछे भंडार है और ये मतलब कुछ टाइम उसको बने हुए काफ़ी। तो गाइस फिर मंदिर में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे दर्शन वगैरह कर लिए, यहाँ पे माथा टेक लिया थोड़ी देर, ठीक है। और यहाँ का नज़ारा भी आपको बता दिया मैंने मोटा। मेरे ख्याल से होता है आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर प्लेस पे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक रिकमेंड कीजिए, ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।